मध्य प्रदेश में दिखा पुलिस का सख्त रूप, अपने ही महकमे के सिपाही पर की तत्काल कार्यवाही। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पुलिस ने अपने ही महकमे पर दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश पुलिस आईजी विवेक शर्मा ने एक पुलिसकर्मी द्वारा ली गई रिश्वत के मामले में तुरंत कार्यवाही बैठा दी। कार्यवाही से डरकर पुलिसकर्मी ने परिवार से संपर्क किया और रिश्वत के पैसे लौटा दिए। मामला खंडवा के पंधाना तहसील का है, जहां जितेंद्र नामक युवक को धारा 354 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पंधाना थाने के हेड कांस्टेबल दुबे द्वारा 5,000 रुपए की मांग की गई, जिसके चलते जितेंद्र के पिता शिवराम और उसके चाचा दरियाव ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत भी दी। जब जितेंद्र के चाचा की एक वीडियो क्लिप आईजी इंदौर विवेक शर्मा के पास पहुंची, तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया और यह वीडियो एसपी खंडवा को भेज दी, जिस पर एसपी ने डीएसपी को जांच के आदेश दे दिए। वहीं जब इस मामले की जानकारी हेड कांस्टेबल को लगी, तो वह आनन फानन में जितेंद्र के पिता के पास पहुंचा और रिश्वत के पैसे लौटा दिए। इस मामले में खंडवा एसपी डॉक्टर सिंह ने कहा कि भले ही कांस्टेबल ने पैसे वापस कर दिए हों, लेकिन उस पर कार्यवाही जरूर होगी। वहीं थाना प्रभारी सिद्दीकी सारे मामले को ओपन करने वाले पत्रकार दिलीप सेंगर पर भी निकल पड़े और कह दिया कि अगर हिम्मत है तो यहाँ आकर बात करें। हाँ, इंदौर से बोल रहा हूँ, दिलीप सेंगर। हाँ भैया नमस्कार, बोलो। मैंने मैंने रख ले भाई, मैंने बोला उसको। अच्छा, आप सरपंच हो? हाँ। कहाँ पे? मैं अभी पहले भूतपूर्व सरपंच था। अच्छा, सैयदपुर में। तो अपने काम भी अपने यहाँ करते थे, वो सर पहचानते अपन को अच्छे खासे। अपन गरीब आदमी थे कि नहीं थे यार? ना, मैं गरीब था, मैंने इनको बोला कि तुमने मेरे को बोल देना यार, 1,500 में देता दे, 1,500 रुपए यार मैं खुद दे देता तुमको, मैंने बोला। तो मेरे हाथ में, मैंने चलो खेत पे चलो, मैंने कहा। हाँ, वो तो भैया 5,000 बहुत होते हैं यार महीने गरीब के लिए यार। नहीं नहीं, दे दिया, दे देखो, नाराजी कहीं करी उन्होंने भी नहीं। चलो ठीक है सरपंच साहब। वहीं घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए और हेड कांस्टेबल के खिलाफ कार्यवाही करने की बात करने लगे। हेलो, हाँ, एसपी खंडवा साहब बोल रहे हैं जी? सर नमस्ते, मैं दिलीप सिंह सेंगर पत्रकार इंदौर से बोल रहा हूँ। हाँ बताएं दिलीप सिंह जी। सर, वो 4-1 दिन पहले कोई आदमी वहाँ पंधाना थाने में बंद हुआ था, किसी मामले में, कोई लड़की वड़की का छेड़छाड़ वाला मामला है, बलात्कारी वाला मामला था। जितेंद्र नामक लड़का बंद हुआ था, उसके पिताजी से, उसके रिश्तेदार से 5,000 रुपये थाने में ले लिए। किसने ले लिए? पंधाना में कोई हेड साहब हैं रुपए जी। अरे है ना, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आईजी साहब को डाली थी, आईजी साहब ने आपको डाली, नहीं डाली पता नहीं मेरे को। फिर पता चला दूसरे दिन थाने पे, थाने से उसके पास भी फोन आया, शिवराम के पास, जिसने पैसे दिए थे, वो जो उसका रिश्तेदार था, वो जो मेरे पास था जिसने रिकॉर्डिंग कराई थी, मेरे पास भी फोन आया। तो मैंने कहा भैया, अगर पैसे किसी गरीब आदमी के लिए तो या तो 5 लिए तो 7 दे दो, 10 दे दो, नहीं तो वापस दे दो, 5 ही दे दो। तो उनने, भाई साहब ने कल जाके पैसे वापस कर दिए, हेड साहब ने। नहीं, कार्रवाई करेंगे, पैसे वापस करना क्या होता है किसने? तो साहब वो दोनों की रिकॉर्डिंग है ना मेरे पास। नहीं नहीं, इसके बाद में आपके टीवी साहब मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं भाई साहब, बात तो वो खत्म हो गई, अपन ने भी खत्म कर दी थी, क्योंकि कोई लिखित शिकायत हुई थी व्हाट्सएप पे, शिकायत थी। नहीं नहीं, लिखित शिकायत पे क्या होता है, जिस तरह की हरकत किसी ने की है उस पर कार्रवाई की जाए, मैं चेक करवाता हूँ। तो सर मेरे को आज आपका टीवी साहब गाली दे दिया है, वहाँ बहन की एक कर रहा है, बोल रहा है आप पंधाना आ जाओ, अपनी औकात दे दो, मैं वो रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आपको। तो मतलब टीआई इतना बहादुर हो गया कि अपराधी को पकड़ने के बजाय मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी माँ बहन कर दूंगा, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो आप बोलोगे? चेक करवाता हूँ क्या मामला, दिखाता हूँ। हेलो हेलो जी मैडम। हेलो जी, आपका शुभ नाम क्या है? दिलीप सिंह सेंगर मैडम, इंदौर से। अच्छा, अरे सेंगर साहब, उसमें जिस दिन आपने आईजी साहब को भेजा था उसी दिन उस पर जांच ऑर्डर हो गई है ना जी। वो जो डीएसपी हेडक्वार्टर है डेविड साहब, उनको दिया हुआ है, तो 5-7 दिन में वो क्लियर कर लेंगे, फिर करेंगे उसमें कार्रवाई, है ना? वो तो ठीक है मैडम, पर ये मुझे गाली गलौज कर रहा था, इसकी मैंने एसपी साहब से भी कल बात हो गई थी आपके बाद में, तो एसपी साहब ने कहा कि बोले मैं दिखवाता हूँ।
बोले ठीक है मैडम। इधर थाना प्रभारी जिमल उद्दीन सिद्दीकी ने पूरे घटनाक्रम की कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया और उल्टा पत्रकार को ही खरी खोटी सुनाने लगे और साथ ही उसे सामने आने की बात भी कह डाली। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? टीआई बोल रहा हूँ, पन्नाना। पन्नाना से? हाँ। सिद्दीकी साहब? हाँ भैया, वो आपका कोई दुबे जी है, उसने कोई आदमी दे दिया, वो नाम के आदमी से 5,000 रुपए ले लिए थे शिवराम से, शिवराम नाम के व्यक्ति से। शिवराम नाम, शिवराम कौन है? जितेन का बाप है, जिसको बंद करा था अभी 8-1 दिन पहले, वो उसमें का भागड़ा गांव का 354 हुआ था। हाँ, 354 बलात्कार वाला मामला हुआ था, 354 दुलार का हुआ था वो तो। हाँ, वो जितेन को बंद करा था। हाँ, जितेन को। हाँ, तो 5,000 रुपए नहीं ले लिए सरपंच साहब के माध्यम से? अच्छा, अरे उसकी क्लिपिंग गई है आईजी साहब के पास में, एसपी साहब को जांच के लिए दी है, कल 5,000 रुपए वापिस दे के आया वो गांव में, तो आपको नहीं नॉलेज है क्या चौधरी थाने में? नहीं बताया हमें तो। ऐसा मतलब हेड साहब पैसे ले लेता आपको पता नहीं लगता है? हैं? नहीं पता, पता नहीं लगता है कि पता ही नहीं है? आप कौन बोल रहे हैं? आप बताया था अपना नाम। दिलीप सेंगर बोल रहा हूँ। कहाँ से? इंदौर से पत्रकार। नहीं मालूम भैया मुझे। जहां अक्सर यह सुनने में आता है पुलिस हमेशा जरूरत खत्म हो जाने के बाद ही आती है, ऐसे में खंडवा में अपने ही महकमे के सिपाही पर जांच का आदेश इतनी तत्परता से देने पर वाकई तारीफ तो करनी चाहिए। नमस्कार, मैं शिवराम भाई बोल रहा हूँ सर। शिवराम भाई कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं जितेन का पापा बोल रहा हूँ। मेरे को पैसे मिल गए थाने वालों ने, दे दिए। कितने दिए? 5,000 सर दिए थे उनको, उन्होंने 5,000 मेरे को दे दिए। वापस दे दिए? हाँ, वापिस। दो आदमी के सामने मेरे को दे दिए, अभी दिए। कौन था पुलिस वाला? हेड साहब है। हाँ, ये बात कर लो। हेलो। हाँ हेड साहब। अरे पंडित जी बोल रहा हूँ भैया, जिससे बात करी थी। अरे बहुत बढ़िया पंडित जी, धन्यवाद। आपका ब्राह्मण आदमी हो ऐसा है, ये गरीब आदमी था इसलिए मैंने इसकी मदद करी, बाकी मैं किसी की मदद नहीं करता। नहीं ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी मदद ही करी थी मैंने, इनको परेशान बिल्कुल नहीं किया था। ऐसा है पंडित जी, 5,000 रुपए भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने रख लिए होंगे, ये टीआई को भी दिए होंगे, किसी को भी दिए होंगे, लेकिन क्या है कि देखो आप जानते हो कि जो लेता है वही फंसता है, टीआई तो सस्पेंड होगा नहीं। अब इसने क्या करा कि इसने यहाँ वीडियो बनवा दी इंदौर में और वो चली गई आईजी साहब के पास, है ना? तो आप दे दिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरी बात यह है, मैं पुलिस वालों का ही लड़का हूँ, अब ये आदमी जो है एसपी साहब के पास नहीं जाएगा, वो अपने बयान नहीं देगा। भाई आप भी काम करो, अपना कोई दिक्कत नहीं, तनख्वाह इतनी मिलती है सरकार से अपने को, है ना सर? ठीक है सर, धन्यवाद। भैया नंबर नहीं थी, मैं किसी फोन लगा था, इनको लगाया था भैया। कौन से थाने की बात है? ये पंडाना थाना और खंडवा जिला लगता है, तहसील पंडाना लगता और जिला खंडवा लगता, तो खंडवे में बंद कर दिया पंडाना पुलिस ने। 6,000 रुपये किसने लिए? पुलिस ने। हाँ, सिपाही ने लिया कि हेड साहब ने लिए, टीए ने लिए? अरे छुड़ाने से उन्होंने कम से कम 8,000 रुपये तो वहीं ले लिए, जब जाके छोरे को छोड़ा था वहाँ जाके बंद कर दिया, फिर वहाँ से छोड़वा दिया, फिर वहाँ लगे साहब वकील मुझे कहा, फिर भैया भैया मिले, उसके बाद उन्होंने छुट्टी करी, 3 मिनट तक अंदर बंद कर दिया और मार मारा वाला, इसलिए मैं इनको बोल नहीं सकता और उनको भी बोल पाया नंबर उठा के भी लेके गया था। कितने आपको लगे? 30,000 वहाँ लगे वकील को? सब फुल पड़ गए मेरे को, समझ लो 20,000 में पूरा कम्प्लीट हो गया, शादी हो गई और ये कोर्ट कचहरी का काम, ये भी काम करता हूँ। 7,000 पुलिस को लग गए? ले लिया ना भैया ने, तो अंदर ही उल्टा इल्जाम लगा दिया, उल्टा इल्जाम लगा दिया, लड़की की मौत में उसको मार पीट लिया छुरी को, और लड़की की माँ उसने उल्टे भैया ने मेरी छुरी को मारा भी और बलात्कार भी करा, इसके चक्कर में जाके बंद कर दिया उसको, और उनका शुरू से था पहले से, हमने सामने नहीं बोला ना दोनों को ये बात।
थन थन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोल।